And good morning, children. Again, I come myself Sukhdev Kistu, and today I am going to teach class 5, subject English main course. It is chapter 2. In chapter 2, given a poem. The heading of the poem is The Arrow and the Song. What is the heading of the poem? The Arrow and the Song. First of all, your heading is completed. Now its author, that means poets. In this poem's poets is Henry Wadsworth Longfellow. First, you know about the poet. हम लोग सबसे पहले उस कवि के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस पोयम को लिखा है. द एरो पोयम हमारा था, हेडिंग पहले आप लोग देख लीजिए, एरो एंड द सॉन्ग. द पोएट्स ऑफ हेनरी वर्डवर्थ लॉन्गफेलो. एक परिचय कवि का. हेनरी वर्डवर्थ लॉन्गफेलो वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोएट्स इन द 19th सेंचुरी. 19वीं शताब्दी के अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध लेखक हेनरी वर्डवर्थ लॉन्गफेलो. लॉन्गफेलो वाज अ प्रोफेसर. लॉन्गफेलो क्या थे अपने जीवन काल में? सबसे पहले वो एक प्रोफेसर थे. बट ही गेव अप टीचिंग. उन्होंने अध्ययन बंद कर दिया. टू फोकस ऑन राइटिंग. अध्ययन को बंद करने का, पढ़ाने का काम को बंद करने के बाद उन्होंने पूरे तरह से कॉन्सेंट्रेट किया. वो था उसका राइटिंग पे, यानी कि लेखन पे. ही इज फेमस फॉर द लिरिकल पोएम्स दैट वी रोट. लिरिकल पोएम लिखते थे. कैसा पोएम लिखते थे? लिरिकल. लिरिकल मतलब सुरीला, जिसको गाया जा सके. तो पोएम जो लिरिकल पोएम लिखते थे, तो उसमें से एक पोएम हम लोगों को दिए हैं, हमारे बुक में दिया गया है, द एरो एंड द सॉन्ग. सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे. अभ्यास फर्स्ट यू प्रैक्टिस इज टू रीड एंड ट्राई टू रिमेंबर द पोएम. द पोएम इज गिवन इन 3 स्टेंजा. पोएम हमारा 3 स्टेंजा में दिया गया है. इसको पहले हम लोग पढ़ने का अभ्यास करेंगे. फर्स्ट यू प्रैक्टिस इज टू रीड. टू लेट्स स्टार्ट. आई शॉट एन एरो इन टू द एयर. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew to where. For so swiftly it fell, the sight could not follow it in its flight. Next stanza. I breathed a song into the air. It fell to earth. I knew to where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song. Next and last stanza is long, long afterward in an oak I found the arrow still unbrought. And the song from beginning to end I found again in the heart of a friend. This is your poem. So everyone try to read the poem and repeat it again and again and try to remember. Now explain its summary. So listen carefully. Summary is prakar se hai. Hamara summary, that means saransh jisko hum log kehte hain. In the first stanza, the poet shot an arrow, but he has no idea where it fell. Is it
फ्लिप्ड बाय फास्ट। लेखक इसमें कवि कहते हैं कि इसमें सबसे पहले पोएट ने कहा कि वो एरो को तो चलाते हैं लेकिन उसके पास कोई इस अनुभव नहीं होता है कि वो जाकर के सबसे पहले कहां गिरे। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में उसने कहा है द पोएट अटर्ड अ सॉन्ग बट ही कुड नॉट फॉलो द फ्लाइट ऑफ द सॉन्ग। इस सेकेंड स्टेंजा में उन्होंने कहा है कि ये जो तीर जो है वो जो तीर चला रहे हैं वो तीर कहां तक वो फ्लाइट करेगा इसका उसको किस तरह का कोई अंदाजा नहीं है। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट फाउंड द एरो इन द ओक ट्री एंड द सॉन्ग इन द हार्ट ऑफ फ्रेंड। थर्ड और लास्ट स्टेंजा में वो एरो को जब ढूंढने के लिए जाते हैं तो एरो जो है उनको एक ओक ट्री नाम का एक प्रकार का पेड़ है ओक उसके उस पेड़ पर मिलता है। सॉन्ग इन द हार्ट ऑफ द फ्रेंड, सॉन्ग हार्ट ऑफ अ फ्रेंड, हेयर द एरो कुड मीन द वर्ड्स वी स्पीक आउट। यहां जो हमारा एरो से जो अर्थ है, एरो का जो अर्थ है वो हमारा शब्द का जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं जो वाणी होता है हमारा वो है। हम किसी भी बात को बोलने से पहले हमको सोचना होगा कि ये बात अगर हम उससे कहते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। यही बात हम लोगों को लेखक समझाने का प्रयास किए। दे आर नेवर ब्रोकन, आप ऐसा कभी ऐसा बात मत बोलिए कि दूसरे का दिल टूट जाए। वर्ड्स कैन बी बोथ हार्मफुल एंड कंफर्टिंग डिपेंडिंग इन हाउ वी यूज इट। सब या वाणी ऐसा हमारा होना चाहिए कि किसी का मन में तकलीफ ना हो, दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। When we choose our words carefully, we find them in people's heart, just as the poets found the song in a friend's heart. अब किसी भी साथी हो चाहे कोई भी पब्लिक हो, कोई किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उसे आप जब बात करते हैं तो बात करने से पहले आप उस विषय के बारे में एक बार नहीं 100 बार सोचने का प्रयास करें और उस बात को निकलने से पहले ही सोचें कि हम उसको जो बोलने जा रहे हैं उसके अंदर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों को अभी समझाने का प्रयास किए हैं कि हम जो बात बोलते हैं उससे किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और इसी के साथ हम लोगों को ये सीख ले लेना चाहिए कि बोलने से पहले आप अगले के बारे में सोच लें कि हमारे वर्ड का इफेक्ट उस पर क्या पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा ये द एरो एंड द सॉन्ग जो बहुत ही बढ़िया पोएम था, हमने लोगों को उन्होंने बात करने का सलीके को सिखाया, उसका दुष्परिणाम को बताया कि अगर हम गलत बातों को बोलते हैं तो उसका परिणाम हमको गलत मिलेगा और अच्छी बातें हमारे अच्छी वाणी अच्छे वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं तो हमको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तो इसके पोएम को पढ़ने के बाद यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक है स्टेट वेदर नंबर ए में जो दिया गया है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। आप उसको अगर समझ में नहीं आता है तो पोएम को आपको इसको एक बार नहीं हो सके तो 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद इसको ट्रू फॉल्स को सॉल्व कीजिए। नंबर बी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप यथासंभव कोशिश करें कि इसको लिखने का, तो इसको फेयर कॉपी में आप डायरेक्ट ना लिखें, इसको प्रैक्टिस करने के तौर पे आप दूसरे कॉपी का प्रयोग करेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते, इफ यू नॉट सेटिस्फाइड देन वेट फॉर माय व्हाट्सएप, आई सेंड देयर आंसर इन व्हाट्सएप, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो इन चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर एंड डोंट फॉरगेट टू वॉचिंग आवर वीडियोज एंड That is your finish your chapter. So wait next video for next day. That's all. Thank you and have a nice day.